शाही पनीर तो सभी का फेवरेट होता है, तो चलिए आज उसी की मजेदार रेसिपी देखते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी। तो शाही पनीर वैसे तो हर चीज़ के साथ बहुत बढ़िया लगता है, बट कुछ कुछ चीज़ों के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे को तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा और साथ में फ्राइड राइस, वो भी काजू वाले, उनके साथ तो उसका मज़ा और डबल हो जाता है। तो चलिए ऐसा ही मज़ेदार सब्जी आपको सिखाऊंगी ना जो एक बार में याद हो जाएगी। तो सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, साथ में लहसुन और मिर्च यूज़ किए हैं, कुछ खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं जिनका नाम मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले रखी है, एक जावित्री ले रखी है, दालचीनी ले रखी है, पत्थर फूल ले रखा है, साथ में मैंने ये रतन जोत ले रखा है और मैंने यहाँ पे तेज पत्ता और चक्रफूल ले रखा है। आपकी मर्जी है, कम ज़्यादा कर सकते हो, खड़े मसाले ज़रूरी नहीं है इतने डालो। फिर अब हम लोग एक पतीले में पानी डाल देते हैं, मैंने 4 कटोरी पानी इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है और वो खड़े मसाले जो आपको बताए थे, साथ में काजू डाल दिए। काजू मैंने 25-30 डाल दिए हैं इसमें, आप भी ज़्यादा ही डालना, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज, टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें आपको जीरा ऐड कर देना है और बस थोड़ा सा नमक डाल देना, इनको थोड़ी देर बॉईल होने देना। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम पनीर काट लेते हैं। अब पनीर आप कैसे भी शेप में काट सकते हैं, मुझे तो स्क्वायर शेप ये वाली पसंद है, मैंने इसे शेप में काट लिया है। अब इतनी देर में मैंने पनीर काटा, इतनी देर में हमारा ये जो सामान था वो बॉईल हो चुका है, अब बस इसको मैंने छान लेना है। तो देखो कितने अच्छे से हमारे टमाटर वगैरह सब कुछ गल चुके थे, अब मैं इसको छान लेती हूँ। और इसका जो पानी है वो मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है बाद में ग्रेवी बढ़ाने के काम आएगा, आप भी मत फेंकना। उसके बाद ये जो सारा सामान था इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने, और जब ये अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब आप इसमें से जो गर्म मसाले हैं उनको निकाल देना, क्योंकि हमें शाही पनीर में जो पेस्ट चाहिए उसमें ये गर्म मसाले बहुत स्ट्रांग फ्लेवर लाते हैं, बट हमें इतना स्ट्रांग फ्लेवर चाहिए नहीं होता शाही पनीर में। अब इसका हम लोगों को अच्छे से पेस्ट बना लेना है। सो यहाँ पे देखिए इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा था, तो उसमें मैं पानी डाल दूंगी और वही मसाले वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया, मतलब ये जो बॉईल किया हुआ पानी था इन सबका। सो इससे हमारा थोड़ा पेस्ट पतला हो गया, अब इसको हमें छान लेना है। सो छानने में आसानी हो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पतला किया था। अब इसको ऐसे हाथों की हेल्प से करना, चम्मच से करेंगे तो क्या होता है कि सारा मसाला यूज़ नहीं होता, और यार मसाला तो ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है इससे। तो मैं इस तरह से पूरे जो अपना मसाला है वो छान लूँगी। देखिए कितना अच्छे से हम लोगों ने अपना जो मसाला था वो निकाल लिया। अब मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। तो ये बटर जो होता है ना वो बहुत बढ़िया फ्लेवर लेके आता है। वैसे आप लोग देसी घी में भी ट्राई कर सकते हो उसको फ्राई करने का। अब इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल स्मूथ चाहिए इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला, जीरा पाउडर डाला है। साथ में मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल वाली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा लाल जैसा कलर आ जाता है शाही पनीर का। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बहुत थोड़ी सी। उसके बाद हमारे जो पीसेज हमने कट किए थे उनको डाल देंगे और ये सब कुछ हमको तेज फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तो ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ आपको 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे फ्राई करना है बढ़िया करके। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी भी ना शाही पनीर का फ्लेवर थोड़ा और अच्छा कर देती है, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो उसको। उसके बाद हम लोगों ने जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देना है और इसको बढ़िया करके आप लोगों को मिला लेना है। तो जो शाही पनीर होता है ना जो हम घर पे बनाएंगे ये वाली रेसिपी, इससे आपको बिल्कुल वैसा ही स्वाद आने वाला है जैसा कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट से मंगाते होंगे। उसके बाद हम लोगों को ये अच्छे से जब ये मिल जाएगा बढ़िया करके तब इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड डाल देना है। सो मिल्क मेड से इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है, तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच के आसपास इसमें मिल्क मेड डाल दिया है। और अगर आप लोगों के पास मिल्क मेड नहीं है तो आप लोग घर पे भी बना सकते हो, बनाना बहुत इजी होता है मिल्क मेड। और अगर आप लोगों को इतना झंझट नहीं करना है तो सिंपली आप लोगों को इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देनी है, उससे भी सेम फ्लेवर आ ही जाता है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें खदकाव आने देंगे। तो ये देखिए आ रहा है ना इसमें, जब थोड़ा सा इसमें खदकाव आ जाएगा तब आपको इसमें मलाई डाल देनी है। सो आप लोग अपने घर से जो मतलब दूध आप लोग बॉईल करते हो उसके ऊपर जो मलाई जमती है ना वो भी डाल सकते हो, या फिर जो अमूल की बाज़ार में आती है वो वाली भी डाल सकते हो। सो मैंने तो इसमें घर वाली मलाई का इस्तेमाल किया क्योंकि इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब इसको बढ़िया करके आप लोगों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया है तरी बढ़ाने के लिए, तो तभी मैंने वो पानी जो था वो सेव करके रखा था ताकि वो बाद में मैं यूज़ कर सकूँ। तो देखिए हमारी ग्रेवी भी बढ़ चुकी है। अब आपको इसको अच्छे से खदकने देना है बढ़िया करके। सो जब ये खदक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, वैसे तो पहले भी इसमें नमक था बट थोड़ा सा और डाल दिया, अगर कम लगे आप लोगों को तो आप भी डाल देना। अब इसको सिर्फ 10 मिनट तक हमें ऐसे ढककर पकाना है और उसके बाद देखिए ये तैयार हो चुकी है हमारी बढ़िया सी शाही पनीर की शाही रेसिपी। और देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत मखमली बनी हुई है। मैं आपको एक बार सर्व करके दिखाती हूँ। सो देखिए कितना ज़्यादा इसमें क्रीमी फ्लेवर आया है इसमें, और आप देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा है। अब इसको मैं तो इंजॉय करने जा रही हूँ, आप लोग भी इसे इंजॉय कीजिए, घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। ये देखिए सुपर क्रीमी और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है। सो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो। इस तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मज़ेदार रेसिपी से।